हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलवी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCTC ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 62, जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 5 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास से जगह नेम लिखेंगे। आज हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपको पता है वैल्यू ऑफ जी एंड स्मॉल जी रिमेन, उनका सेम रहती है हमेशा यूनिवर्स में। क्या सेम रहती है? तो वो कहती है वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल, हमने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है यानी कैपिटल जी है, वो सेम रहता है यूनिवर्स में पूरी थ्रू आउट द नेचर। पर जो अर्थ हमारी जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ एसेलरेशन है ग्रेविटी की, वो बढ़ती है इक्वेटर्स पे पोल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एसेलेशन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एसेलेशन को जो उसका कैलकुलेशन है वो निकाली गई है। यानी अगर हम एम को मास ऑफ अर्थ मान लें और स्मॉल एम को मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान लें, डी को डिस्टेंस मान लें अर्थ को सब्जेक्ट से, एंड ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन में डी का स्क्वायर। अब एक ऑब्जेक्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अब फ्रॉम एक ऑब्जेक्ट को हम सरफेस अर्थ से लेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस में होगा आर ऑफ द अर्थ, देन द एक्सेलरेशन ड्यू जो एक्सेलरेशन बनेगी वो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन में एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में यही वैल्यूज पुट करेंगे, तो जी में हम यानी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट में क्या ये वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और रेडियस ऑफ अर्थ यानी आर का स्क्वायर में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जी इज इक्वल टू एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये पूरा हमारी ऐसी वैल्यू दिखेगी, एंड इससे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा यानी स्मॉल जी आएगा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। यानी जो वैल्यू ऑफ एसेलेशन ग्रेविटी का होगा अर्थ पे, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में डिफरेंस बता रखा है, यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यानी कैपिटल जी और एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के बारे में डिफरेंस है। तो इसमें जो वैल्यू ऑफ जी है वो ये होती है, एंड द वैल्यू ऑफ इसमें जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है। जी जो है यहाँ पे कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कंस्टेंट इन द यूनिवर्स, और जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो हमेशा कंस्टेंट रहती है, पर जो वैल्यू है एसेलेशन की वो ग्रेविटी की वेरीज होती है यानी डिफरेंट होती रहती है, क्योंकि हमारा जो प्लानट है वो टोटली गोल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डोनेट करते हैं और एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, यानी इनका इंडिपेंडेंट डिस्टेंस और मासेस के बीच में दिखाया जाता है, और ये डिपेंड होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द यानी मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उसे डिपेंड करता है। अब यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट डज जी यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इनके एसआई यूनिट्स क्या हैं। तो आप देखिए ग्रेविटेशन जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका एसआई यूनिट है एन एम का स्क्वायर और के जी का स्क्वायर, और स्मॉल जी है वो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी शो करता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, आपको कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में डिफरेंस बताने हैं। तो आप यहाँ से जो इसका आंसर करेंगे, ये पूरी जो टेबल है आपकी 5 पॉइंट्स इधर भी वो पूरा आप क्वेश्चन नंबर टू में कर लेंगे पूरी टेबल, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियर टू द अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ के पास प्लेस करी जाती है। अब इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, यानी ऑब्जेक्ट का अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो इज़ इंक्रीज टू मच यानी बहुत ज़्यादा होगा, हाउ विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी यानी ये स्मॉल जी की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करेगा, तो जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द अर्थ है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर का स्क्वायर। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।